पंजाब सरकार वालों जिहड़े हुक्म जारी किए गए थे कि जिहड़ा ऑड ईवन दे फार्मूले तहत जिहड़ी मार्केटां मतलब बंद करन दे जिहड़े हुक्म सीगे भी करफ्यू लागू होण दे लॉकडाउन दे शाम 6 बजे तो पहला पहला जिहड़ी मुकम्मल मार्केट जिहड़ी आ ओह पुलिस वालों बंद करवा दित्ती गई आ। इस टाइम जिहड़ा समय होया वा ओह 5 वजण वाले ने और उस तो पहला ही पुलिस अधिकारी आके उरे दुकानां जिहड़ियां ने ओह बंद करवा रहे ने। इत्थे एक पुलिस अधिकारी भी आए हुए ने करदे आ गलबात भी किस तरह दे हुक्म ने भाजी की ऑर्डर ने दुकाना क्यों बंद करवाई जा रही है? सर अपना सरकार वालों हुक्म ने अपने 5 बजे तक की टाइमिंग दी है ऑड ईवन सिस्टम किया हो मतलब ऑड ईवन सिस्टम जिदा कि अज अपना ईवन से अज ईवन वाली शोपा खुलने कल वाली ऑड वाली खुलन गया उस हिसाब से हर एक टाइमिंग की 5 बजे टाइमिंग की हुई है। 5 बजे तो बाद सरकार के हुक्म ने भी हर एक शॉप बंद की है। तो ईवन फार्मूले तहत जिहड़ियां दुकानां वा अज वो टाइम जिहड़ा पुग गया वो बंद करवा दित्तियां गईयां ने? बिल्कुल सर बिल्कुल जी। की कारण है भी 5 बजे तो 1 मिनट भी उपर नहीं होने दिता जाऊगा जो SSP साहब के निर्देश ने? बिल्कुल सर 5 बजे तक ने जी, बाकी ढाबे वगैरह ने ऑन डिलीवरी काम करने जी। थैंक यू। तो कुल मिला के अधिकारी अपनी ड्यूटी पर लगे हुए ने और अगे जा के जिन्हें भी लोग आ उन्होंने बार बार अपील कर रहे हैं, पहला अपील करके हट चुके सन पर हुण थोड़ी सख्ती दिखाई जा रही है क्योंकि कोरोना महामारी ने इन्ना खतरनाक रूप धारण कर लिया वा कि लोग बेशक काम धंधे ठप्प ने पर कहते हैं कि जान अते जहान आ, अगर जिंदा रहोगे तो कल फिर कमा लोगे और इस टाइम जिहड़ा कल का दिन आ वह ऑड होएगा, अज का दिन ईवन सीगा और ईवन का टाइम सीगा। तुसीं देख सकते हो कि अज कुछ दुकानां खुलियां सन कुछ बंद सन और तस्वीरां साफ बयान करदियां ने जिहड़ी 7 बजे की मार्केट खचो खच भरी रहिंदी सी पर अज इत्थे 5 बजे ही सन्नाटा पसर गया वा और तुहानू असी मार्केट नू बंद करदे करवांदे होए जिहड़े पुलिस अधिकारी आ उह भी दिखाते। कुल मिला के इस टाइम जिहड़ा कोरोना का अंकड़ा वा वह बेहद खतरनाक रूप धारण कर चुकिया वा। तुहानू दस चुकिया वा कि 1000 दे करीब पॉजिटिव मरीज आने एक जिले च कोई थोड़े नहीं होंदे और इस टाइम SSP मोहाली के निर्देशों के मुताबिक पूरी सख्ती आ। तुहानू दस दिए कि पहला अज एक कोविड किचन जी चालू की गई थी, उस तो बाद नो एंट्री का सिस्टम भी लागू कर दिता क्योंकि बाहरों आने वाले जोड़े व्यक्ति है उन्होंने विदाउट ज वैक्सीनेशन जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है कोविड की सिर्फ वही एंट्री कर सकते हैं। दूसरी गल भी एंटर करने तो पहला 72 घंटे पहला की जी नैगेटिव कोरोना नैगेटिव की रिपोर्ट होनी बहुत जरूरी आ। दूसरी गल एक तुम तस्वीर होर दिखानी चाहूँगा, कैमरा मैन कहूँगा कैमरा घुमा ले, तो देख सकते हो कि मार्केट के लोग खिसकना शुरू हो गए हैं और इस टाइम लोग अपने अपने वाहनों के उत्ते अपने अपने घरों में रवाना होना शुरू हो गए हैं क्योंकि इस तो बाद इतने करफ्यू लागू हो जाएगा। और तुम दस दिए कि करफ्यू लागू होने तो बाद जोड़ा कोई व्यक्ति घूमता पाया गया तो उस उत्ते कानूनी कार्रवाई तो होगी होगी, उन्होंने जेल भी जाना पै सकता और दर्शकों के अगे तो फैक्ट न्यूज़ अपील करता वा कि तुसी भी अपना सरकार का सहयोग दो क्योंकि कोरोना की जिहड़ी दूजी लहर आई आ असी 32 हॉस्पिटल PGI सारे पासे असी इसका मतलब जायजा लैके आए हैं क्योंकि मरीज ही मरीज है। इस टाइम जिहड़े आम बीमारियों तो मरीज घट रहे पर कोरोना महामारी के करके हस्पताल जिहड़े आ नक्को नक भरे हुए ने। फिर फैक्ट न्यूज़ अपील करता वा कि सरकार दे नाल सहयोग करो ताकि जो महामारी है इस दे उत्ते काबू पाया जा सके। मोहाली तो द फैक्ट न्यूज़ लई सतिंदर सत्ती दे नाल मैं जितेंद्र सबरवाल मोहाली। हक ते सच दी खबर लई लाइक ते सब्सक्राइब करो पंजाब दा नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल द फैक्ट न्यूज़।